आज हम बॉस का एक GSB 10 RE किट और एक 500 RE किट आता है उसके कंपैरिजन देखेंगे। ये मशीन GSB 10 RE किट को मैं पहले ओपन मतलब कर रहा हूँ, एक जगह बॉस के ऑथराइज डीलर है, इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अगेन ये ऑनलाइन से परचेज नहीं, ऑथराइज डीलर से परचेज है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, और इसमें एक ये आपका यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड है, मशीन है, प्लायर और क्या क्या डिटेल है, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वो आपको दिख जाएंगे। हैमर है, सॉकेट्स है, और ये क्लो हैमर है, ये सॉकेट्स है, मशीन है, ये 10 RE किट, ये कुछ 500 वॉट के आसपास है, क्या वॉटेज एक्चुअली मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये ड्रिल बिट देखेंगे, ये वुड का, कंक्रीट का और मेटल का भी है, स्क्रू ड्राइवर बिट्स भी है, नाइफ है, टेप है, मेजरिंग टेप है, वहाँ पे अपर राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं। और साथ में कुछ प्लगइन्स भी है, मीन्स एंकर फास्टनर भी दिया हुआ है। और इसमें क्या क्या डिटेल है, जैसे कि मशीन किसने कुछ लिखा हुआ है। ये 1000 का आरी 500 वॉट का किट है, इसको GSB 10 RE किट के नाम से बहुत फेमस है। और यहाँ पे अब मैं GSB 500 RE किट ओपन करने जा रहा हूँ, फिर दोनों का कंपैरिजन मैं बताऊँगा लास्ट में कि क्या है। अगर मुझसे ओवरऑल पूछे तो मैं पहले ही बता दूँ कि इसमें कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये बॉक्स आई थिंक ट्रांजिट में थोड़ा सा अंदर से हिल गया है, तो ये जो देख रहे हैं आप एंकर्स वो निकल के बाहर आ गए हैं, उसको उस जगह पे फिर से प्लेस कर दे रहा हूँ मैं। और इसके जो टेप वगैरह भी वो भी नीचे आ गया है, उसको अपनी जगह पे मैं भी रख दूँगा। ये आप देख सकते हैं कि ये स्लाइड इंच या एडजस्टेबल इंच है यहाँ पे, और ये मेजरिंग टेप है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मैं दोनों को सामने करके दिखाऊंगा, तो इसमें भी मैं सारे ड्रिल बिट्स वगैरह है, कुछ खास चेंजेस नहीं है बस मॉडल नंबर के। और ये मशीन भी 500 वॉट का है और ये मशीन भी सेम है, बट फ़र्क यही है कि 500 RE किट इंजीनियर करके ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ जाता है 10 RE किट से। 10 RE किट ज़्यादा रोबस्ट है, और ऑनलाइन मार्केट में ज़्यादातर वो 500 RE किट जो आप आगे की तरफ देख सकते हैं, राइट साइड जो या ऊपर की तरफ जहाँ पे उस लड़के का हाथ है, जहाँ पे ये वाला, यस ये वाला जो है, ये है आपका 500 RE किट जो थोड़ा इकोनॉमिकल आपको मिल जाएगा। 10 RE किट थोड़ा कॉस्टली है, बट ये दोनों ही मशीन अगर देखा जाए एक्सेसरीज वाइज और ये सब सेम है, बट 10 RE किट ज़्यादा पावरफुल आपका होगा। हाँ, ऐसे वोल्टेज में दोनों बराबर है, मैं उसमें नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो मशीन की कंस्ट्रक्शन है, लाइफ है, वो बहुत बढ़िया है। ये क्या क्या इसके साथ आता है, दोनों में सेम है, स्प्रिट लेवल है, हैमर है, सॉकेट्स हैं, देखिए यहाँ पे भी सेम है, स्क्रीन नाइफ, ये एवरी